कांग्रेस ने पैसे देकर मजदूरों को मुंबई से उनके गांव भेजा। साथ ही इन लोगों को कांग्रेस ने कोरोना फैलाने के लिए उकसाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीधे संसद में ऐसे आरोप कांग्रेस पर किए गए। पूरे महाराष्ट्र से मोदी द्वारा किए गए वक्तव्य का विरोध करते हुए आंदोलन किया गया। उसी श्रृंखला में आज शहर के संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान विधायक विकास ठाकरे, विशाल मुतिमवार, कांग्रेस नेता गिरीश पांडव और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कोरोना की पहली लहर के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में रेल टिकट उपलब्ध कराने पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने प्रवासी मजदूरों को उकसा कर मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में भेजने का काम किया। इस वजह से बाकी राज्यों में कोरोना फैल गया। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के सभी नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें पीएम मोदी के वक्तव्य का निषेध किया गया। इसी के साथ आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की ओर से जमकर आंदोलन किया गया है। उसी तर्ज पर शहर के संविधान चौक पर कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ जमकर आंदोलन किया गया। मैं आज शर्मसार हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इतनी ओछी बातें की है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कहीं भी सिद्ध नहीं होती है। जैसे उन्होंने कांग्रेस पे कल एक इल्ज़ाम लगाया कि बॉम्बे से जो चलने वाली जो ट्रेन थी उसमें बॉम्बे से कांग्रेस पार्टी ने लोगों को यहाँ से रवाना किया, यूपी और बिहार वगैरह। सबसे पहली बात, रेलवे जो होती है वो केंद्र सरकार के थ्रू ऑपरेट होती है, ना कि राज्य सरकार के थ्रू। और तब तक श्रमिक ट्रेनें बन चुकी थी, तो इसकी जिम्मेवारी भी क्या वो कांग्रेस पर डालेंगे? आप मुझे एक छोटी सी बात बताई, वो ये भूल गए कि नमस्ते ट्रंप उन्होंने कराया था। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव यूएसए में हो रहे और प्रचार इंडिया में हो रहा। शर्म की बात, आप कौन सी बिजनेस डील करते हैं? हिंदुस्तान को बेचने का इरादा तो आपका दिख ही रहा है, काफ़ी चीज़ें तो आपने बेची थी। कल उन्होंने एक चीज़ और ये कही कि कांग्रेस सरकार ने कभी अपील नहीं की कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए। जिस वक्त देश को सबसे ज़्यादा मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत थी, देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे मोमबत्तियां जलाइए, मोबाइल के लाइट फ्लैश ऑन कीजिए। ये कौन कहता है ताली बजाओ थाली बजाओ? तो फिर इतने जो हॉस्पिटल में इलाज चले उनको भी बोला था बैठे बैठे ताली और थाली बजाओ। मोदी जी थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। और उनके ही शब्द मैं कह रही हूँ, अगर मेरी बातों पर यकीन, आप गूगल करके सर्च करिए। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, बंगाल में, तब उन्होंने ये कहा था, मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ लोग ही लोग नजर आते हैं मुझे, मेरी हर रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और उसी के बाद लोग देश में जो इतनी मौतें हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई। नरेंद्र मोदी जी ने जे महाराष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट दिला, महाराष्ट्राचा अपमान केला, महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा अपमान केला, त्याच्या विरोधात राज्यभरात आज एक काँग्रेस पक्षातर्फे निदर्शन होत आहे। मला वाटते करोनाच्या काळामध्ये जे लोक परप्रांतातून या राज्यात आले होते रोजगारासाठी, रोजगार बंद झाला, नरेंद्र मोदींनी काही सूचना न देताना लॉकडाऊन लावलं आणि त्यामुळे रोजगारासाठी आलेल्या परप्रांतीय लोकांची जी धावपळ मचली होती, कोणाजवळ चप्पल नव्हती, कोणाजवळ खायला अन्न नव्हतं, पाणी नव्हतं, खिशात पैसे नव्हते, जाण्यासाठी वाहन नव्हतं, अशा स्थितीमध्ये जर या राज्यातील कोणत्याही नागरिकांनी त्यांची मदत केली असेल तर तो देशद्रोहाचा गुन्हा होता असं नरेंद्र मोदींचं म्हणणं असेल तर मला वाटतं की या भारतासाठी यापेक्षा दुर्दैवी घटना नाही। आज महाराष्ट्रीयन संस्कृती आहे, परप्रांतातून या राज्यात येणारे लोक असतात, त्यांना आपण निवारा उपलब्ध करून देतो, त्यांच्या काही अडचणी असल्या त्यांच्यासाठी धावून जातो, ही आमची संस्कृती आहे। आणि या संस्कृतीचं जतन आम्ही करत असताना मला वाटतं जर देशाचे पंतप्रधानच म्हणत असतील की हे देशद्रोह आहे तर मला वाटतं हे ठीक नाही आहे। फक्त काँग्रेसला घाबरले आहे, लोकसभेत आणि राज्यसभेमध्ये त्यांचं ते भाषण होतं ते कोणत्याही सभागृहातल्या भाषणाशी ताळमेळ ठेवणारं नव्हतं। एखाद्या पॉलिटिकल भाषण, एखाद्या प्रचाराच्या जाहीर सभेत देणारं भाषण त्यांनी त्या लोकसभे आणि राज्यसभेमध्ये केलेलं आहे आणि याचाच निषेध आज राज्यभरात होत आहे सर्वत्र। पीएम मोदी के द्वारा किए गए वक्तव्य के विरोध में कांग्रेस द्वारा जमकर आंदोलन तो किया गया, लेकिन आंदोलन के दौरान कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी मनपा चुनाव से पहले देखने मिली। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।